कैंपियरगंज थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना में वांछित आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए थाना प्रभारी निर्भय नारायण सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें मुखबिर की सूचना पर बलात्कार के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम को सफलता मिली है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान रामानंद यादव उर्फ कुद्दू पुत्र राजनाथ यादव निवासी डुमरिया थाना कैंपियरगंज के रूप में हुई है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के सोनूरा खुर्द शराब भट्टी के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है। उसके क्रम में थाना कैंपियरगंज के अंतर्गत एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना हुई है, जिसके कुछ ही घंटों बाद अपराधी को पकड़ लिया गया है और ये जिसका नाम रामानंद सनाफ राजनाथ यादव ग्राम डुमरिया थाना कैंपियरगंज है। गिरफ्तारी ये हमारे यशो साहब के उसमें मार्गदर्शन में और सीओ चौकी इंचार्ज करमैनी अखिलेश त्रिपाठी और कांस्टेबल प्रदीप मिश्रा इन दोनों के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। करता क्या है सर? ये लड़का घर पे ही रहता है, घर पे खेतीबाड़ी का काम करता है। इसके पहले की कोई घटना नहीं है, पूर्व में कोई इसने अपराध नहीं किया, नहीं शादी नहीं हुई है। पिताजी भी किसान कहाँ, अभी तो इस समय तो यही है, बाहर पंजाब में काम करते हैं प्राइवेट।